फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पर एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, यहां पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 6। अच्छा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 इसके नेबरहुड में पॉइंट्स क्या होंगे, यहां पर x इज इक्वल्स टू 1 राइट हैंड में 1 प्लस h लिमिट डायरेक्टली लिखते हैं h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h कहां रखेंगे इस फंक्शन में, यहां पर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, कितना होगा ये 1 प्लस h माइनस 5 इस फंक्शन में रखा है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 5 माइनस 4। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच किस फंक्शन में रखेंगे, अपर फंक्शन में क्योंकि वैल्यू 1 से कम है, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस एच प्लस 5 एच टेंडिंग टूवर्ड 0 पर कितना हो जाएगा 0 एच यहां पर 1 प्लस 5 6। तुमने देखा कि राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1।